गाइस, आई एम हर्षा एंड वेलकम बैक टू द हैप्पी किचन। आज मैं आपके लिए एक फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में एकदम सिंपल और एकदम मार्केट जैसी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और मैंने इन्हें अच्छे से पील करके पानी में रखा हुआ है ताकि ये गारे ना पड़ेंगे। अब इन्हें फ्राइज की शेप में काटने के लिए मैं इन्हें पहले साइड से इस तरह से कट करके अलग कर लूंगी ताकि फ्राइज की शेप एकदम परफेक्ट बने। अब मैं इसे वर्टिकली इस टाइप से कट कर लूंगी। और इस टाइप से हम फ्राइज की शेप इन्हें दे देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट साइज फ्राइज का बनकर रेडी हुआ है। आपको इसी टाइप से सारे फ्रेंच फ्राइज काट लेने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ सारे फ्रेंच फ्राइज काट कर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये सारे फ्रेंच फ्राइज हमने ठंडे पानी में डाल दिए हैं और इन्हें 20 मिनट के लिए ढककर हम इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम सारे फ्राइज को निकालकर एकदम गर्म पानी में इसे डाल देंगे। ध्यान रहे कि पानी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। सारे फ्राइज डालने के बाद मैं उसमें 1/2 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ और एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इन्हें भी ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन्हें सारे फ्राइज को एक किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। इस तरह से एक बार रगड़ कर अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि कोई भी मॉइस्चर इनमें ना रहे। ये देखिए फ्राइज एकदम सूख गए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से फ्राइज पर कोट हो जाए। ये देखिए इस तरह से सारे फ्रेंच फ्राइज कोट हो जाने चाहिए कॉर्नफ्लोर में। ये प्रोसेस फॉलो करने से फ्रेंच फ्राइज एकदम बाहर जैसे परफेक्ट बनते हैं। और अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। यहाँ आधा घंटा हो चुका है और ये पोटैटो स्टिक फ्राई करने के लिए एकदम रेडी है और हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल लिया है और ध्यान रखें कि हमें ऑयल को मीडियम हॉट ही करना है। और अब मैं इसमें सारे फ्राइज डाल दूंगी और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए कि फ्राई करते टाइम ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सारे फ्राइज जल भी सकते हैं। ये देखिए फ्राइज एकदम रेडी हो गए हैं और अब मैं इन्हें इसी छलनी पर निकाल लूंगी। टिश्यू पेपर पर निकालने से ये थोड़े सोगी हो जाते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें छलनी पर ही निकालें। और दूसरा बैच भी मैं ऑयल में डाल रही हूँ और इन्हें भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए सारे फ्रेंच फ्राइज मैंने फ्राई कर लिए हैं और ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। आप चाहें तो इसमें पेरी पेरी मसाला या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और इन्हें एक बार टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक इवनली स्प्रेड हो जाए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये एकदम क्रिस्पी क्रंची और यमी बनकर रेडी होते हैं। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।